इन्फ़ॉर्मेशन शेयर करूँगी ये है क्या है इसका रिव्यू बताऊँगी और इसके फ्रेगरेंस के बारे में आइडिया दूँगी क्योंकि हम वैसे वीडियो के थ्रू आपको फ्रेगरेंस जो है वो स्मेल uh, तो नहीं करवा सकते लेकिन मैं आपको काफ़ी हद तक आइडिया दे दूंगी कि इसकी स्मेल है कैसी uh, इसके इंग्रेडिएंट भी जो है वो भी मैं डिस्कस करूंगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेंजा बॉडी स्प्रे की ये हमारा पाकिस्तान में अभी तक मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम है जो दानी गोल्ड असेंजा परफ्यूम ये उसका बॉडी स्प्रे है और ये इतना ज़बरदस्त है ये सेवेंटी फाइव एम है ठीक है और ये, ये इसकी पैकेजिंग है और ये जो लोग आ, जो दानी गोल्ड परफ्यूम एसंसा परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको फ्रेगरेंस जो है वो चाहिए आ, वो मतलब कि उसको वो फ्रेगरेंस वो लाइक करते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए जो है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ, ये उनके लिए ये कह लें कि स्पेशल ऑफ़र है कि आपके पास ये इसका बॉडी स्प्रे भी जो है वो अब अवेलेबल है क्योंकि आ, ऐसी तो मैं भी हूँ मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि इसका जो है ये बॉडी स्प्रे आ गया है क्योंकि आ, आ, मुझे ख़ुद जो है इसकी फ्रेगरेंस बहुत प्यारी है बहुत पसंद है और उसकी फ्रेगरेंस वाकई बहुत ज़्यादा प्यारी है तो ये जो मैंने दो अपने लिए मंगवाए हैं बॉडी स्प्रे में परफ्यूम में 19 बीस का ही फ़र्क होता है कि जैसे इसको हमने बॉडी पे लगाना है उस परफ्यूम को भी हम वो भी बॉडी ही परफ्यूम होता है लेकिन ये है कि वो जरा थोड़ा सा कह लें कि ज़्यादा देर निकाल जाता है कि जो आपके कपड़ों में से जो है वो पाँच से छः दिन जो है उसकी परफ्यूम की खुशबू जो है वो नहीं जाती इसकी ये है कि आपको रिचार्ज करना पड़ता है मतलब कि ये इसका फ़र्क है लेकिन स्मेल जो है Uh, इसकी एक जैसी है और बहुत जबरदस्त है अगर आपने ये बॉडी स्प्रे लगाया हो या परफ्यूम लगाया हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने इस वक्त बॉडी स्प्रे लगाया हुआ या परफ्यूम लगाया हुआ यानी कि फ्रेगरेंस में या स्मेल में बिल्कुल भी किसी भी किस्म का फर्क नहीं है हां जरा लॉन्ग लास्टिंग जो है वो परफ्यूम है और ये कह लें कि ये ज़रा थोड़ा सा जल्दी जो है वैनिश हो जाता है तो अब मैं इसकी इंग्रेडिएंट की बात करती हूँ इसमें जो है वो तीन जो मेन इसके इंग्रेडिएंट है जिस जिससे इसकी खुशबू बनाई गई है पहले नंबर पे तो है टास्क एन वुड टास्क वुड क्या है आप इसको एक कह लें कि ये साइंटिफिक वुड कह लें या आप आसान लफ्जों में इसको इंजीनियरिंग वुड कह लें ये रियल वुड से ही बनाई जाती है रियल वुड से एक नई वुड बनाई जाती है मतलब कि साइंटिफिक वुड कह लें इसमें उसकी फ्रेगरेंस है उस वुड से नॉर्मली जो है ये बनाए जाते हैं फर्श वगैरह जो है बनाए जाते हैं ज़्यादातर यूरोप में ऐसा होता है यूरोप में ज़्यादा जो है एंड यूएसए uh, में अमेरिका वगैरह में जो है वो ये यूज़ होते हैं लेकिन uh, इसकी फ्रेगरेंस जो है uh, इसकी फ्रेगरेंस में वो एक टेस्कियन व